अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम मैम। चलें फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हम कल वाले लेक्चर से सब लोगों ने प्रैक्टिस की थी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? वैसे तो हम लोगों ने काफ़ी उसको डिटेल में देखा था, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्यूरी और कंफ्यूजन वी कैन डिस्कस। ओके, सो यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया था, और जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे रोज एंड कॉलम सेलेक्ट करने का, आज हम देखते हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने सिर्फ देखा था कि हम जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो रो सेलेक्ट कर रही थी। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कॉलम्स को कैसे सेलेक्ट करना। ठीक, अब यहाँ पे ये वाली इंडेक्सिंग जो एरेज के अंदर है ना, ये इम्पोर्टेंट थी हमें याद रखने के लिए कि जैसे रोज एंड कॉलम्स को भी इसी तरह से हम जीरोज एंड वंस एंड टू से एरेज में करते हैं इंडेक्सिंग। और किसी भी सेल को अगर मैंने, मतलब यहाँ पे किसी भी नंबर को, एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो जैसे वन वन कोमा टू का मतलब ये है कि फर्स्ट वन वन रो का इंडेक्स है और टू कॉलम का, सो इस तरह से हर एलिमेंट एक्सेस हो रहा है। ओके, सो ये चीज़ हम देख रहे थे कि अगर कोलन जो टू है, सो इसका मतलब ये है कि मैंने इसे रो का पूछा है। ठीक है, तो वो मुझे रोज ही सिलेक्ट करके देगा। ठीक, और यहाँ पे कोलन टू का मतलब ये है कि इसने फर्स्ट टू रोज सिलेक्ट करनी है, तो जो फर्स्ट टू रोज यहाँ पे बनती हैं जीरो और वन इंडेक्सेस की, उसने वो मुझे दे दी। ओके, सो आई थिंक यहाँ तक हमारा हो गया था, तो आगे मूव करते हैं अब इससे। ओके, अब यहाँ पे जब मुझे कॉलम्स भी सिलेक्ट करने हो, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ एक कॉलम अगर ले रहे थे ना, तो इसका मतलब ये कि मैं सिर्फ एक डायमेंशन देख रही थी। ठीक है, ये सिर्फ मुझे एक्सिस का बता, एक्सिस जीरो का बता रहा था। ठीक, जब मैंने टू डोमे ये टू कॉलम्स रखे हैं ना, तो यहाँ पे मैं दूसरा डायमेंशन भी इन्वॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो ये वाले किसको बताएगा? रो को, और ये बताएगा कॉलम को, राइट? मैम ये तो स्लाइसिंग नहीं कर रहे हैं, तो रो कॉलम का किस तरह से ये कॉलम के बाद जी। जी। ओके, तो अच्छा मैं कहाँ पे डिस्कनेक्ट हुई थी? मैं तो देखती जा रही थी और जूम बंद हो गया, मैं बोल रही थी, तो आई डिडंट गेट एनी आइडिया। मेरी स्क्रीन शेयर हुई थी? यस मैम, स्क्रीन शेयर हुई थी आपकी और आप बता रही थी जहाँ पे कॉलम्स वो इनसाइड वो उसके साथ भी थे, और आप कह रही थी कि कॉलम रो और कॉलम का यहाँ जैसे यहाँ पे नीचे इधर टू और वन जहाँ पे दिया वो क्लिक है टू आप यहाँ पे। तो ठीक मैम है, मेरा ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक ये तो स्लाइसिंग के लिए नहीं इस तरह से यूज होता, जैसे कॉलम दे के तो हम साथ में टू लगाते हैं तो वो कहते हैं कि जी स्लाइसिंग के बाद कहाँ तक जाना है, तो ये अब ये सब पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो ये देखे ना कि ये तो ओके,
सेकेंड, ये स्लाइसिंग ही दी हुई है, जैसे हम इंडेक्सेस मल्टीपल दे सकते हैं ना, वैसे हम स्लाइसिंग भी मल्टीपल दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं पहले सिर्फ एक स्लाइसिंग दे रहे थे हम के 1 to 2, ठीक है। ये स्लाइसिंग यहाँ पे हमने भी देखा था कि अगर हम खाली बेयर्स ये कॉलन स्लाइस पास करें तो सारे एलिमेंट सेलेक्ट कर लेता है, और अगर मैं पहले कोई इनिशियल वैल्यू ना भी डालूं जैसे इस केस में, तो वो उससे भी उससे समझ आएगा कि फर्स्ट 2 कॉलम्स की बात हो रही है, यानी यहाँ से फर्स्ट से स्टार्ट लेके कॉलन और कहाँ तक जाना है। जब मैं कॉलन के बाद वैल्यू दे रही हूँ तो वो बता रहा है कि कहाँ तक जाना है, और मैं कॉलन से पहले वैल्यू दे रही हूँ तो वो बता रहा है कि कहाँ से स्टार्ट होना है, ठीक है। तो मैं जैसे इंडेक्सिंग एक्सेस करने के लिए एक से ज़्यादा इंडेक्स दे सकती हूँ, कि अगर मैं एक से ज़्यादा इंडेक्स पास कराऊंगी तो वो वाले एलिमेंट्स इंडेक्स वाले मुझे प्रिंट करवा देगा, वैसे ही मैं स्लाइसिंग भी एक से ज़्यादा दे सकती हूँ, ठीक है। अब इस स्लाइसिंग में ये वाला, तो जब हम एक स्लाइस दे रहे थे तो हम ये कंसिडर कर रहे थे कि ये रोज के लिए ही है, मतलब अगर मैं 2 कह रही हूँ तो ये इसका मतलब ये कि ये रोज वाइज सेलेक्ट करेगा, कॉलम वाइज नहीं करेगा, राइट। लेकिन अगर मैं जब दूसरा स्लाइस ऐड कर रही हूँ, इसका मतलब ये कि मैं एक नई डिमेंशन के लिए ये वाला ऐड करूँगी, ठीक है, क्योंकि रो के लिए तो मैंने एक बार बता दी है कि कितनी स्लाइसेस मतलब कि कितनी सेलेक्ट होनी है, ठीक। यस मैम, क्लियर हुए? यस। यस मैम, तो यस। दूसरे जो स्लाइस ऐड होगा वो फिर कॉलम सेलेक्ट करेगा, यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करेगा। तो इस केस में अगर मेरे पास ये एरे मौजूद है, ठीक है, ये हमारी एरे है, तो मैं ये कह रही हूँ कि मुझे ये प्रिंट करवाना है, इसमें से ये वाली स्लाइस प्रिंट करवानी है सारे की, तो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा? मैम ये 2 रोज होंगी और 1 कॉलम। ओके, सो अप टू 2 रोज जाना है, यानी कॉलन पहले आया हुआ है, ठीक है, तो फाइनल वैल्यू ये है, तो यानी अप टू 2 रोज जाना है। तो यहाँ पे कितनी अप टू 2 है, यहाँ पे कितनी है, 0, 1 और 2, ठीक है। और ओके, कॉलम यहाँ पे भी 2 है। यस, और यहाँ पे 1 और कॉलन, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इनक्लूसिव 1 1 से स्टार्ट होके ऑनवर्ड जाना है। तो यहाँ पे 1 कॉलन कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, यस ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए फिर मैम, यहाँ पे हमारे आई पास? 2 2 ही आएगा फिर मैम। जी, एनवन एल्स, सॉरी 2 1 अकॉर्डिंग टू, इसको अगर हम इसको फॉलो करें तो 2 1 मतलब ये हमारी डोज जो है, हमारी डोज वो हो गई है, क्या कहते हैं, 2 है, सॉरी 3 है, 2 तक है, सॉरी 0 भी ले, सॉरी सॉरी 0 भी लेना है। और जो हमारे कॉलम्स हैं तो कॉलम्स एक 0 और ये 1, तो ये कॉलम 1 तक है और रोज हमारी 2 तक है, अगर इस चीज को फॉलो करना है तो। ओके, सो लेकिन यहाँ पे देखें कि कोलन बाद में आया वन के, तो फिर ये तो है, यानी यस, कि हम लेंगे, हमारी 2 रोज होंगी और हम 1 तक जाएंगे, मतलब कॉलम कॉलम नहीं लेंगे, कॉलम नहीं लेंगे फिर। तो मैम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, समझे कि कॉलम अगर नहीं लेंगे तो 1 रो तक जाएंगे, रोज क्यों कंसीडर कर रहा है। ओके, चलिए बाकी पार्टिसिपेंट जरा बताएं उनको क्या समझ आएगा। जी सर उस्मान, ओके, मैं मामना से कह रही हूँ 9। ऑलराइट, इसका मैं आंसर अगर आपको शो करवाऊं
तो ये ठीक है, अब इसको समझें कैसे। हमारे पास एरे थी पूरी, मैं इसको दोबारा यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ एरे को। अप टू टू रोस, ठीक है, मतलब और मतलब जाना है, और यहाँ पे वन से ऑनवर्ड कॉलम पे जाना है। ठीक, तो हमने ये वाला जो फंक्शन है इसको तो पहले देखा है कि ठीक है जब कोलन टू हो तो उसने क्या करना है, फर्स्ट टू रोज को सिलेक्ट करना। ठीक है, तो इस केस में फर्स्ट टू रोज कौन सी बनती हैं, उसने ये वाली दो सिलेक्ट कर ली। वन सेकेंड, मुझे एनोटेट करने दें। ये वाली फाइनल वैल्यू है, ठीक है, तो अप टू टू का मतलब ये है जो बाद में वैल्यू आती है किसी भी स्लाइसिंग में। हमें पता है कि इनिशियल वैल्यूज और इनिशियल वैल्यू इंक्लूसिव होती है, जो बाद वाली वैल्यू होगी ना फाइनल वैल्यू कॉलन के बाद वो एक्सक्लूसिव होती है। इस चीज़ का तो आइडिया है ना, यानी अगर इसने टू लिखा हुआ है तो ये टू इंक्लूड नहीं होना, ठीक है ना, टू से पहले पहले। सही, तो टू से पहले वाली दो रोज ये बनती हैं, 0 और 1। ठीक है, तो 0 और 1 वाली रो सेलेक्ट हो गई, ये दो। लेकिन अब इन्होंने 1 और 4 नहीं लिखा हुआ, क्यों? मैम, हमने रोज नहीं, जो ये कॉलम्स की बात करी, रोज की बात कर रही है हम, कंफ्यूज हो रही है। जी मैं यहाँ कॉलम्स है ना, वन कॉलम है, वन कॉलम क्या अनवर्ड उसने करना है, तो वन यस, कॉलम तो वो है ना, 2 और 5 है उसका करना, 2 5 4 0 0 मतलब उसका अनवर्ड उस साइड पे जो भी है। एग्जैक्टली ये इस तरह से ही है ना। तो अप टू टू रोज यानी 0, 1 और 2, यानी 2 से पहले पहली रोज है, 2 एक्सक्लूसिव, तो ये 2 रोज सेलेक्ट होंगी। और इनमें से कॉलम कॉलम जो नेक्स्ट डायमेंशन, जो नेक्स्ट स्लाइसिंग हमने दी है, वो हमें दूसरी डायमेंशन बता रही है कॉलम की। तो कॉलम के केस में उसने कहा है कि 1 से ऑनवर्ड, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग कॉलम की देखें तो 1, 2, 0, 1 और 2, तो यानी 1 से ऑनवर्ड, तो ये 1 इंक्लूसिव होता है कॉलम से पहले वाला, तो ये 1 और 2 ये वाली कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। यानी हमारे पास फिर एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू सिलेक्ट होंगी? मैम 2 0 से लेके, तो ये ना, यस 5 0, गॉट इट? यानी हम एक से ज्यादा स्लाइसिंग दे के कॉलम्स को भी फिर एक्सेस कर सकते हैं। पहले सिर्फ अगर हम 1 स्लाइसिंग देंगे तो वो सिंगल डायमेंशन एक्सेस 0 के लॉन्ग ही जाएगा, लेकिन जैसे ही हमने मल्टीपल स्लाइसिंग पास करवाएंगे तो हम फिर डिफरेंट डायमेंशंस को एक्सेस करने हैं। गॉट इट? तो 0 फर्स्ट डायमेंशन रॉ के लिए, और सेकेंड सेकेंड जो कॉलन है, जो स्लाइसिंग है, वो कॉलम कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर देगी। ओके यस, ओके। और हम इस तरह से भी कर सकते हैं, हम जैसे ऊपर तो हम लोगों ने दो डिफरेंट स्लाइसेस लिए थे, हम इंडेक्स और स्लाइस भी ले सकते हैं। और जब हम इंडेक्स और स्लाइस लेंगे तो फिर हमें लॉयर्ड एरेज मिलेंगे। कैसे कि इस केस में जैसे उसने 2 डायमेंशनल एरे लिए, अब यहाँ पे मैंने इंडेक्स एक पास करवाया और एक स्लाइस पास करवाया, इंडेक्स क्या शो करेगा? अब यहाँ पे ये देखो, तो ये इसमें एरे की जो जो डायमेंशन है वो यहाँ पे कम हो गई है, यानी ये 1 डायमेंशनल है जब मैंने इंडेक्स और स्लाइस लिया। लेकिन जब मैं अगर इसको स्लाइस ही लेती दोनों, तो फिर वो 2D एरे होनी थी, सॉरी उसमें, यस, अगर मैं इसमें ये करती हूँ 1 से ऑनवर्ड,
देखिए, जब मैं सिर्फ स्लाइसेस दे रही हूँ तो उसने वही डायमेंशन रखी है, जैसे 2 डायमेंशन में अरे 2D के अंदर 2 डायमेंशंस थी, लेकिन इंडेक्स और स्लाइस में जब मैंने इंडेक्स और स्लाइस का मिक्सचर लिया, ठीक है, यहाँ पे दोनों पास करवाए तो एरे की डायमेंशन कम होगी इस केस में। अब ये 1 किसको सिग्निफाई कर रहा है और ये colon 3 किसको बता रहा है? जी, यानी वन 1 रो, यस एग्जैक्टली, कौन सी रो? क्योंकि मैंने इंडेक्स दे दिया ना, मैं स्लाइसिंग नहीं करी तो वो एक से ज्यादा रोज नहीं देगा कि वहां तक जाना है, वो सिर्फ वही पर्टिकुलर जिस इंडेक्स की रो मैंने उसे पास करवाई है उसने वही वाली इंडेक्स की रो, यानी 0 1, तो ये 4 5 और 0 वाली रो ये 1 इंडेक्स पे आती थी, उसने एग्जैक्ट वही पकड़ी है। ठीक है, अप टू 3 कॉलन्स कम कॉलन 3 का मतलब ये है कि 3 एक्सक्लूसिव तक जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 एक्सक्लूसिव तक जाने का मतलब ये है कि यहाँ पे तो है ही 0 1 और 2, यानी 3 कोई कॉलम होता है यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे तो तब हम कहते हैं ना कि इसको छोड़ के 2 से पहले पहले, लेकिन यहाँ पे है ही तो मतलब 3 से पहले वाली कॉलम्स हैं तो ये तीनों ही सिलेक्ट हो जाएंगे, इसलिए हमें तीनों वैल्यूज आई हैं यहाँ पे 4 5 0 कॉलम्स की। गॉट इट? यस मैम, यानी राइट। अगर मैं स्लाइसेस ले रही हूँ तो तब उस केस में डायमेंशंस पे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, वो हायर डायमेंशंस ही दे रहा सेम, लेकिन अगर मैंने इंडेक्स और स्लाइस लिए विच इज ऑब्वियस कि वो फिर एक ही उसी पर्टिकुलर जो इंडेक्स पकड़ा है सिर्फ वही वाली रो ही उठाएगा तो फिर डायमेंशंस कम हो जाएंगी अभी ये सिंगल डायमेंशन पे आके। ओके, तो इसी तरह से इसने colon 3 और 2 किया हुआ है, सही, तो ये भी वैसे ही है। आप लोगों के अगर अपने एंड पे मैं ये आप सब में से कौन कौन है जो कि इस वक्त लैपटॉप फोन किया हुआ साथ? हैंड रेस करें। ओके, हैंड रेज ही रखें ताकि मुझे पता चले टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने जिनके पास इस वक्त है, तो वो मुझे काउंट में नहीं आएंगे अगर आप लॉयर कर रहे हैं साथ साथ। तो ये टोटल 1 2 3 5 फाइव पार्टिसिपेंट्स से ज़्यादा 4 हैं, 4 हो गए। ओके, ऑलमोस्ट 5 थे पहले भी, किसी का हाथ खड़ा था, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 5 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो एनी हो, सबका ही लैपटॉप आई थिंक ऑन होना चाहिए, वैसे तो मैं साथ साथ प्रैक्टिस में, लेकिन हम इतना डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम साथ साथ देख भी लें खुद से कोड रन करके। सो एनी हो, अब मैं अगर आपको कोई भी एरे दूं, ठीक है, आप कोई भी एरे में से अपने एंड पे array 2D बनाए, ठीक है, और उसका मैं आपसे कहूँ कि एलिमेंट up to 2 और 4 से ऑनवर्ड, नहीं इसको मैं कोर कॉलम्स को कम कर देती हूँ सेकेंड। तो ये प्रिंट करवाएं, कोई भी 2D एरे बनाए, ये हो जाएगा 2 मिनटों में। जी, बी क्लास में या फिर घर के लिए प्रैक्टिस के लिए कर दें। मैं तो खोल जी रही हूँ, निकाली मेरे पास बहुत कुछ खुला हुआ, तो चलें फिर आज के लिए मैं इसको रन देती हूँ, या बाकी अगर कोई पार्टिसिपेंट अवेलेबल है कि इसको अपने एंड पे करें। मुझे लगता है कि आज कोई भी रेडी नहीं था, है ना, तो टाइम लगेगा सॉफ्टवेयर ऑन करने में। चलें,
जस्ट फॉर द प्रैक्टिस था कि साथ साथ आप लोग भी रन कर रहे हैं, लेकिन चलें इसको देखते हैं, आगे मूव करती हूँ मैं। फिर आप इस तरह की बहुत सारी इसके साथ प्ले करके यू कैन एक्चुअली गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हम किस तरह से मल्टीपल वेज में कोई भी एलिमेंट्स लग कर सकते हैं हायर डायमेंशनल एरे में, क्योंकि जो सिंगल डायमेंशन थी उसमें तो कोई इशू नहीं था कि आप इंडेक्सिंग देते हैं और वो हर इंडिविजुअल एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल एलिमेंट सिलेक्ट नहीं होता हायर डायमेंशन में। यहाँ पे कोई भी आप फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स देंगे तो आप उसकी एरे को एक्सेस कर रहे होंगे जो कि इंडिविजुअल एलिमेंट होगा मल्टीपल डायमेंशन में। ये हमने कल अच्छे तरीके से डिस्कस किया था, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना? नो मैम, नो ओके, सो यही चीज़ इस डायग्राम में भी शो हो रही है। अब जैसे ये फर्स्ट डायग्राम को कौन एक्सप्लेन करेगा? सर शहजाद, कैन यू एक्सप्लेन दैट फर्स्ट डायग्राम? जी। आवाज आ रही? यस सर जी, आपकी ओके, आवाज तो क्लियर है। फर्स्ट वाली जो पिक्चर है, इसमें ये एक्चुअली टू डायमेंशनल एरे है, और इसमें जब हम स्लाइसिंग करते हैं तो कॉमा से पहले जो है वो रोज होती हैं, और कॉमा से बाद कॉलम। तो हमने क्या किया कि कोलन लगाया कॉमा से पहले, तो उसका मतलब है सारी की सारी रोज वो सेलेक्ट कर लेगा, और उसके बाद कॉलम्स के लिए हमने उसको जो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया लेकिन एंडिंग पॉइंट 2 दिया। इसका मतलब है 2 को एक्सक्लूड कर देगा और 0 और फर्स्ट वाला जो कॉलम है उसको सेलेक्ट कर लेगा। ओके, थैंक यू। हाँ, और हमारे पास जो न्यू आउटपुट है रहेगा कि उसकी शेप है हमारे पास फिर 3 x 2, यानी 3 रोज और 2 कॉलम्स का हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। ओके, तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं, अब आगे मूव करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है बुलियन इंडेक्सिंग। बुलियन इंडेक्सिंग क्या होती है, किसी को आइडिया है? मैम, जिसमें कंपैरिजन करके तो ट्रू फॉल्स का बताया जाता है, ये ट्रू है ये फॉल्स है। यस, सो बेसिकली बुलियन इंडेक्सिंग मतलब इसमें बुलियन एरे कंडीशंस के बेस पे फिल्टर करके एलिमेंट्स को वो देख लेता है एरे में कि क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, उसके बेस पे हमें ये इंडेक्सिंग दे रहा होता है। सो वी कॉल इट एज अ बुलियन इंडेक्सिंग, क्योंकि हम इसमें पूरी मतलब एरे को पास करवाएंगे और फिर कंपैरिजन में देखेंगे कोई भी कंडीशन दे के। ठीक है, ओके। और इसमें जैसे बाकी ऑपरेशंस वेक्टराइज हैं, वैसे यहाँ पे जो कंपैरिजन का ऑपरेशन है ये भी वेक्टर फॉर्म में ही यहाँ पे आएगा नंपाई में। एनी हाउ, यहाँ पे आप देखें कि नेम्स के मैंने नंबर एरे बनाई, ठीक है, लिस्ट में से उसे एरे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, वो नेम्स का हो गया हमारे पास एरे। अब यहाँ पे उसने सिंपली ये कंडीशन दी है कि नेम्स में कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो इस स्ट्रिंग में है। ठीक है, तो उसने उस हिसाब से जो जो सी वैल्यू एग्जैक्टली सेम थी, जैसे यहाँ पे 0 और 3rd इंडेक्स में, तो वो उसने ट्रू का है, बाकी सब फॉल्स हैं, तो ये बूलियन इंडेक्सिंग है। ओके, इसी तरह से जो से नेम्स नहीं है बॉब के एक बार, ठीक है, उसने हम उन सब वैल्यूज को एक्सेस भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नेम्स का जो कॉल था, यहाँ पे हमारे पास एरे थी उसमें से हमने देख लिया कि जोन सा उसका एलिमेंट इक्वल नहीं है होप के, ठीक है, तो वो सारे एक्सेस हो जाएंगे, वो सारे हमने प्रिंट करवा दिए। ठीक, सो इस तरह से हम एक एलिमेंट को इस तरह से भी एक्सेस कर सकते हैं या उससे कंपेयर करवा के बाकी प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, सो ये तो था सिर्फ बुलियन का। अब इसके अगेंस्ट उसने एक डाटा भी जनरेट करवाया, ठीक है। अब वो डाटा जैसे यहाँ पे जो नेम्स है ना, नेम्स टोटल ये 7 एलिमेंट्स हैं इसमें, जो टोटल नेम्स हैं
वो सेवन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट इन सब मतलब ईच नेम के अगेंस्ट वो एक रो जनरेट करवा रहा है, ठीक है, उसने इसलिए उसने 7x4 का ये कॉलम बनाया, ठीक है, सॉरी एरे बनवाई है, ठीक है, डाटा के नाम से जिसमें रैंडम वैल्यूज हैं। अब 7 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज, यानी हर रो हर नेम के अगेंस्ट आएगी, ठीक है। अब जैसे ही मैं अब यहाँ पे जो पर नेम्स का कॉलम हमारे पास एरे थी वो इसके अगेंस्ट यहाँ पे आ रही होगी ना, ठीक है, तो नेम्स के हिसाब से अब उसका डाटा अगर मुझे एक्सेस करना हो, ठीक है, तो डाटा में से मैंने नेम कोई भी दूंगी ना पास करूंगी, तो उसके अगेंस्ट जो भी डाटा यहाँ पे बनता होगा वो उसको प्रिंट करवा देगा। जैसे हमें पता था कि बॉब का नेम फर्स्ट पे आ रहा था और थर्ड इंडेक्स पे आ रहा था, 0, 1, 2 और यहाँ पे, ठीक है ना, तो उस मैंने अगर इंडेक्स उसे कहा कि देंगे तो वो हमें अपना हमारी वैल्यू देगा ना। मैं इस सर से बात करती, आप कहाँ पे की बात कर रही हैं, इंडेक्सिंग से? यही सही है मैम, जो हम ले रहे हैं जी, यही वाला कि हमने उसे इंडेक्स दिया कि बॉब का जो इंडेक्स है, मतलब लेट्स सपोज वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, हम उसे यहाँ प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि बॉब अगर हमें अपने उसमें से चाहिए डेटाबेस से, तो हम उसकी इंडेक्सिंग देंगे उसको। नहीं, ओके, सो यहाँ पे आप देखें उसके रिस्पेक्टिव ये कॉलम्स आएंगे ना, बेसिकली वो तो जस्ट वैसे ही था ना कि इंडेक्सिंग में यहाँ पे इसका नहीं मैं बता रही, इसमें जस्ट मैं ये देख रहा आप मतलब मैं ये बताना चाह रही थी यहाँ पे कि देखें, हाँ मतलब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखें कि इस एरे के अंदर जो वैल्यूज है ना, जो डाटा है ना, हर रो इसके अगेंस्ट आएगी, यानी अगर मैं टेबल वाइज देखूंगी तो यू नेम वाइज अगर ये रेंज हुए हुए हैं तो उसके अगेंस्ट लाइन वाइज वो जो 7 एरेज के डाटा का एरे बनाई है ना मैंने, ठीक है, जनरेट की है, तो वो लाइन वाइज यहाँ पे हर रो के यहाँ पे उसके आ रहा होगा उसके अगेंस्ट नेम के अगेंस्ट, ठीक है, उसका डाटा जैसे, ओके, सो ये जो नेम मैं इसको यहाँ पे अगर प्रिंट करवा दूँ साथ ही, सेकेंड, ठीक, सो मैं ये बताना चाह रही थी कि ये फर्स्ट रो का जो डाटा यहाँ पे है वो इसके अगेंस्ट है, यानी वो बॉब के लिए है, ठीक है, सेकेंड रो जोई के लिए, फिर विल के लिए, फिर ये ओके फोर बॉब के लिए, ठीक है, फिर विल है, फिर जो ही है और फिर जो ही है, मैम, ये इस तरह से, यस, डेटा से जिस तरह हम रैंडम डाट शीट लेते हैं ना, तो इसका हम ले सकते हैं जी जिस तरह डेटा डाट शीट लेते हैं ना, शीट में हम वैल्यू एंटर कर देते 42, 40 या 3, 4, तो इस वैल्यू इसका ले सकते हैं जिस तरह हमने एरे में वो जो है वैल्यू ये सारी चीजें एंटर की है। स्ट्रिंग के केस में भी हाँ हो सकता होगा ये भी, डेफिनेटली इसमें देयर शुड बी, क्योंकि हम जब एरे पास करवाएं हम डाटा टाइप भी उसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो देयर देयर कैन बी एनी फंक्शन, लेकिन मुझे उसका नहीं पता। और एनी हाउ यहाँ पे हर मतलब मेरा बताने का मकसद ये था कि हर अरे के जो रो है वो उसके अगेंस्ट एक यहाँ पे उस मतलब हमने नेम के अगेंस्ट यहाँ पे डाटा प्रिंट किया, राइट, तो अब मैं अगर यहाँ पे ये कहूँ कि मुझे डाटा की वैल्यूज में जो भी इस नेम के अगेंस्ट है वो सिर्फ एक्सेस हो, ठीक है, तो वो मैं कैसे करूँगी इस तरह के केस में, बूलियन इंडेक्सिंग में मैं किस तरह से ये कर सकती हूँ? मैं जस्ट उसे कहूंगी कि डाटा के अंदर जो नेम्स मतलब जिसके लिए नेम इक्वल है बॉब के, सिर्फ वो वाला डाटा प्रिंट करो, तो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे उन्हीं रोज को प्रिंट करवाया जो कि बॉब के अगेंस्ट आ रही थी, ठीक है, यानी फर्स्ट पे 0 इंडेक्स पे बॉब है और थर्ड इंडेक्स पे बॉब है, तो यहाँ पे भी 0 इंडेक्स वाली रो और थर्ड वाली जो रो होगी ना वो प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि वो डाटा बॉब के लिए है, सही,
बॉब के नेम के अगेंस्ट आ रहा है। सो उसने डायरेक्टली, हमने यानी नेम दिया और उसने उसका डाटा पास कर दिया। तो हम ये भी कर सकते हैं, यानी एक कॉलम, इस तरह से हम डाटा एनालिसिस में भी अगर हमें कोई कॉलम एक्सेस करना हो तो ठीक है, हम हमें अगर फर्ज करें डाटा एनालिसिस में भी कोई रिकॉर्ड गिवन है, ठीक है, और नेम्स सारा डेटा हो गया, लेकिन नेम्स और एज फर्ज करें गिवन है, तो मैं नेम के कॉलम से एक्सेस करके कोई भी नाम दूंगी और मैं उसके रिस्पेक्टिव एज भी उसकी फाइंड आउट करवा सकती हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से ही होगा कि मैं जो सा डाटा निकालना है यानी एज का कॉलम लगाऊंगी, और मैं ऐसे कहूंगी कि नेम्स के कॉलम में जाके देखो कि जो सा डाटा फर्ज करें ABC नाम के इक्वल आर एन अगेंस्ट वो वाली एज प्रिंट करवा दो, सही। तो इस तरह से एक स्पेसिफिक वैल्यू किसी भी कॉलम की हम आप प्रिंट करवा सकते हैं। गॉट इट? यस मैम, और ये अक्सर यस यूज भी होगा डाटा एनालिसिस में, इस तरह की जो चीजें यूज हो रही होती हैं कि हम बाज़ अवकात एक चीज एक्सेस करके देख रहे होते हैं कि क्या ट्रेंड आ रहे हैं, वैल्यू आ रही है। ओके हाँ, और बुलियन अरेज उसी लेंथ की होती है जितनी हम इंडेक्सिंग है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी अगर ट्रू फॉल्स वो दे रहा था हमें, तो जितनी वो जब कंपेयर कर रहा था बॉब से, ठीक है, जब मैं पूछ रही थी कि कौन से नेम्स बॉब के इक्वल है या नहीं है, तो उसने उतनी वहाँ पे ट्रू और फॉल्स जब रिटर्न किया था वो उतना ही था जितनी उसकी अंदर वैल्यूज पड़ी हुई है इंडेक्सिंग में। सो इट विल बी ऑफ सेम लेंथ। ओके सो यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ओके और नाउ नेक्स्ट उसने बताया कि हम ये इसको जरा रीड करें। द बुलियन अरेज मस्ट बी ऑफ सेम लेंथ एज द अरेज दे आर इंडेक्सिंग, द बुलियन सिलेक्शन विल नॉट फेल। इसको इनफैक्ट अपने एंड पे रीड करें जरा। ओके हाँ, रीड किया सबने? यस मैम। ओके यानी कि अगर अनइक्वल लेंथ भी आ रही है ना, मैंने कोई आउटपुट में कमांड देते हुए, तो उसने मुझे एरर नहीं देना, उसने कुछ ना कुछ वहाँ पे ऐड कर, मतलब मुझे आउटपुट दे देना। सो मुझे इसलिए बुलियन सिलेक्शन करते हुए, मतलब आई हैव टू बी अवेयर कि मैं जो शेप है उसको देख के उसके लिहाज से आइडिया लेके मैं कोई भी कोड में कमांड दूँ, फंक्शन पास करूँ, ठीक है। और मैं इसमें भी स्लाइसिस और इंटीजर्स पास करवा सकती हूँ, अभी तो सिर्फ हमने नेम दिया था ना, ठीक है। तो मैं इसमें इंटीजर और स्लाइसेस से भी मैं यहाँ पर भी एक्सेस कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे उसने कहा है कि नेम तो बॉब ही हो, ठीक है, डाटे में वही चीज़ मैं दो, वही मैंने सिर्फ डाटा दूँ जो जो कि बॉब के नेम के अगेंस्ट आ रहा है, ठीक है, और वो टू से ऑनवर्ड हो, ठीक है। यानी ये मैंने कॉलम दी है उसे, ठीक है, टू से ऑनवर्ड। तो पहले क्या आ रहा था, पहले वो 0, 1, 2, 3 कॉल, ये थर्ड इंडेक्स तक कॉलम जा रहे थे। जब मैं टू इंडेक्स से ऑनवर्ड करूँगी तो क्या मुझे दे रहा है, ये टू इंडेक्स मुझे, टू कॉलन मुझे बता रहा है कॉलम का, कॉलम वर्टिकल, ठीक है, उसमें कितने लेने हैं, ठीक है। तो उसने यस टू इंक्लूसिव से ऑनवर्ड जितने कॉलम्स थे वो उसने बता दिए, पहले वाले निकाल देगा, स्लाइसिंग हुई हुई है यहाँ पे। ठीक, इसी तरह से सिर्फ एक इंडेक्स देके इस थ्री में, थ्री मैंने पास करवाया तो क्या मुझे बता रहा है, जस्ट हेलो थर्ड वाला कॉलम। यस जस्ट थर्ड कॉलम, ठीक। ये अब
सेकेंड, इसको मैं सारा ही रन करती हूँ बिकॉज इसने वैल्यू कोई और ले ली हुई है. एनी हो, आगे नेक्स्ट मूव करते हैं. ओके सो वन सेकेंड, इसको रन होने दें पहले. चलो इसको नेक्स्ट आगे देख लेते हैं फिर ऑपरेशंस का. अच्छा, इसको कोई एक्सप्लेन करेगा कि अगर थर्ड 3 मैंने यहाँ पे पास करवाया तो यहाँ पे 2 वैल्यूज क्यों आ रही हैं? मैम लास्ट वन एक्सक्लूसिव है ना, नहीं, क्या इसकी रीजन डिफरेंट है, जरा गौर करें. मैम? क्योंकि वो दो बार था ना उसमें, हमारे वजू पर हमने एरे दी थी। जरा इसको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे. टू टाइम था ना उधर, हमने जो ऊपर एरे दी थी उस टाइम, उसमें ये यस, लफ्ज हमारे पास वर्ड थे टू टाइम। हाँ बिल्कुल ठीक. हाँ, हमारा 2 दफ़ा बो पाया हुआ था ना, तो 2 दफ़ा हमने उसके रो जो थी वो 2 दफ़ा हमने देखा था कि वो सिलेक्ट होगी. ठीक है ना, 2 रोज थी उसके अगेंस्ट, बॉब के अगेंस्ट. तो असल में इसलिए वो 2 दफ़ा तो आया. ठीक है, लेकिन उसने कॉलम पे कॉलम कॉलम जो है वो थर्ड पास करवाया था, तो थर्ड में से ही आया. आई होप ये क्लियर हुआ. इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ दोबारा. सो यहाँ पे बॉब 2 दफ़ा आया था. ठीक है, और उसके अगेंस्ट अब मैं कह रही हूँ कि सिर्फ मुझे थर्ड कॉलम की वैल्यू चाहिए, 0, 1, 2 और 3. तो थर्ड कॉलम में जो बॉब हमने देखा था कि फर्स्ट और थर्ड इंडेक्स पे था, तो सिर्फ उसने वही वैल्यूज उसके अगेंस्ट जो थी ना, सिर्फ थर्ड कॉलम वाली वैल्यूज जो आ रही थी उसको प्रिंट करवाया. ठीक, देख क्लियर हो गया मैम आयशा आपको? यस मैम, अब क्लियर है। ओके, अब इसको डिलीट करने दो ना. मैम ये इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं, ये तो दिया हुआ आपने। इसको डिस्कस करते हैं अभी. 1 सेकेंड, हैव यू रेड दैट ऑल? यस ये मैम, टिल्डा होता है, सर टिल्डा का साइन है, बट स्टिल
ओके सो हैव यू डन दैट? ओके सो एक तो ये था कि हम इक्वल इक्वल का साइन लगा रहे थे, और हमें ये पता है कि ये जो हम कोलन लगा के इक्वल लगाते हैं इसका मतलब है नॉट इक्वल, ठीक है? और इस ऑपरेटर से हम निगेट कर सकते हैं कि ये वाली कंडीशन अगर नहीं है तो तब प्रिंट हो, ठीक है? सिंपली निगेट करने के लिए नॉट इक्वल कहिए, या फिर हम इसमें ये वाला जो ऑपरेटर है, जो आई होप इसको टिल्डा कहते हैं, बाकी जो सीनियर्स हैं वो मुझे बता सकते हैं कि इसको क्या कहते हैं साइन को। एनी हाउ तो ये वाला जो ऑपरेटर है इसको बिट नॉट बिट वाइज नॉट ऑपरेटर कहेंगे, ठीक है? इसका जो नेम है पाइथन में बिट वाइज नॉट ऑपरेटर, और इसका काम भी यही है कि इसने निगेट करना, यानी नॉट इक्वल का जैसे साइन था कि अगर कोई वैल्यू है तो क्या वो मतलब नॉट इक्वल से ऑपरेशन जैसे हम करते हैं वैसे ही इसका भी काम है, ठीक है? इफ़ यू वांट टू निगेट एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जनरल कंडीशन, ठीक है? जैसे इक्वल इक्वल की कंडीशन है कि हम देख रहे थे कि नेम्स में वो बॉब के इक्वल है या नहीं, तो मैं इसको अगर निगेट करूँ तो नेम्स आर नॉट इक्वल टू बॉब, या फिर मैं खाली इसमें नेम इज ये सिर्फ सिंपल एक लगा दूंगी तो उसका भी वही मीनिंग है निगेट करना कि नॉट इक्वल टू बो। गॉट इट? और जिस तरह मैं मल्टीपल अरिथमेटिक, इक्वल टू के लिए ना यस, और इसके अलावा मल्टीपल कंडीशंस जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं वैसे यहाँ पे एंड और नॉट की भी लग सकती है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे इसने ये बताया कि जो नॉर्मल पाइथन वर्जन्स हैं एंड और के वो यहाँ पे वर्क नहीं करते, सो वी विल सी कि किस तरह से है, ठीक है? और यहाँ पे एक चीज़ के यहाँ पे हमेशा कॉपी क्रिएट होती है, यानी ओरिजिनल एरे में कोई वो नहीं आता, ठीक है? जैसे हम ऊपर इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग देख रहे थे, सो हमने ये देखा था कि वहाँ पे ओरिजिनल एरे के अंदर ही वो सारी सिलेक्शंस और कटिंग कर रहा था। अगर मैं रिप्लेस करवा रही थी उसे किसी ना किसी वैल्यू से स्लाइस करके, तो वो ओरिजिनल एरे जब प्रिंट करवा रही थी तो उसी में सारी वैल्यूज रिप्लेस होके आ रही थी, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे ये हमेशा एक अलग से कॉपी बना देता है, ठीक है? अगर मैं बाय डिफॉल्ट ही अलहदा से कॉपी बनाएगा, लेकिन अगर मैं उसमें कोई कंडीशन लगाऊंगी तो वो फिर ओरिजिनल एरे में ही चेंजिंग्स कर देगा। सो ये वाला ऑपरेटर, इसकी डेफिनेशन मैंने भी मतलब प्रॉपर इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो मैंने ऐड किया कि बिट वाइज नॉट ऑपरेटर है, और ये बिट वाइज कोई भी जो भी बिट होगी उसके अंदर निगेशंस करेगा। ओके अब सर इसको मैं देख लूँ तो कोड तो फिर ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, ठीक है? कि नेम्स इज नॉट इक्वल टू बॉब में, जैसे पहले मैं नेम्स इक्वल टू बॉब कह रही थी तो मुझे जहाँ जहाँ कंडीशन में बॉब था वहाँ वहाँ पे ट्रू कह रहा था, बाकियों में फॉल्स कह रहा था। लेकिन जब मैंने इसको उलट कहा है निगेट किया, ठीक है, कि नेम्स जो कि बॉब के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो वो अब कंपेयर करेगा कि कौन से नेम्स बॉब के इक्वल नहीं है तो वो ट्रू है, और जो बॉब के इक्वल होगा वो फॉल्स हो जाएगा। यानी हमें पता था पहले वाले पे बॉब पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसने उसको फॉल्स कह दिए क्योंकि हमने अब उल्टी कंडीशन दे दी है उसको, ठीक? तो उसने बुलियन में इस तरह से कंपेयर कंपैरिजन जब भी करेंगे तो वो हमें बुलियन में रिजल्ट्स देगा, हमने ये पहले डिस्कस किया था, ठीक है? अब उसने यहाँ पे वो है बिट वाइज नॉट ऑपरेटर लगाया है, ठीक? अब ये क्या करेगा इसका ज़रा देख लेते हैं फंक्शन के, नेम्स इज इक्वल टू वो, यानी कि हमने डाटा में से वो वाली वैल्यूज प्रिंट करवानी है, जो अंदर कमांड दिया वो ये है कि वो वैल्यू प्रिंट करवाओ जो कि इक्वल हो बॉब के, लेकिन मैंने बाहर ये वाला साइन लगा दिया बिट वाइज नॉट ऑपरेटर का, यानी कि ऑपोजिट हो जाएगा, निगेट हो जाएगा। अगर मैं यही कोड इसके बगैर लिखूं, मैम फिर तो ट्रू हो जाएगा ना। सॉरी ये मैंने थोड़े से सिंटेक्स एरर किया, जैसे हम ऊपर यहाँ पे एक्सेस कर रहे थे इसको, लिस्ट में से पास करना स्क्वायर ब्रैकेट्स में से, ठीक
है, तो उसने वहां पे जहां जहां बॉब था उसके अगेंस्ट डाटा था ना, वो प्रिंट करवा दिया था, और दो दफा आया हुआ था बॉब, तो उसने दो दफा प्रिंट करवा दिया। जब मैंने ये एक सिंपल साइन ऐड कर दिया ना इसके बाहर, ठीक है, पेरेंथेसिस में करके, तो अब इसने उल्टा करना, जिन जिन नेम्स में बॉब नहीं है उनका डाटा प्रिंट करवा देना। ठीक है, यानी इसने पूरी ऑपोजिट कर देगा, जो भी अंदर कंडीशन है उसको सिर्फ एक साइन लगाना है और वो निगेट कर देगा उस सारे कंडीशन को, ऑपोजिट कर देगा। गॉट इट? यस मैम। ओके, सो ये बस ये ऑपरेटर याद रखना बिट वाइज, नॉट ऑपरेटर। सो सम जहाँ पे भी यूज होगा वी शुड बी अवेयर कि वो कंडीशन ऑपोजिट होनी है फिर। ओके, अब कंडीशंस यहाँ पे नेम है कि वो बॉब के इक्वल है, ठीक है, और डाटा मैं अब कह रही हूँ कि अब यहाँ पे उसने क्या किया है, पहले वो डायरेक्टली उसमें कंडीशन के अंदर चेंज कर रहा था, अब उसने एक कंडीशन को भी सेव कर ली है, मतलब वही सेम चीज़ है जो ऊपर है, लेकिन अब उसने कंडीशन को जो नेम के इक्वल था बॉब, ठीक है, उस कंडीशन को एक वेरिएबल में स्टोर करवाया। अब वो वेरिएबल जब भी पास होगा उससे पहले अगर वो उसने ऑपोजिट लगा दिया तो उसने भी वही वाला काम करना जो पहले वाला है, जस्ट एक राइटिंग का पैटर्न डिफरेंट है। सही, पहले हम डायरेक्टली कंडीशन पास कर रहे थे। सही, अब मैंने उस कंडीशन को नाम दे दिया पहले कोई, और अब वो वेरिएबल पास करवा दिया। गॉट इट? तो वेरिएबल भी पास करवाया, तो उस वेरिएबल के अंदर जो भी स्टोर है ना चीज, जो भी कंडीशन स्टोर है उसने उसका ऑपोजिट ही करना। रिवर्स कर देंगे उसको। यस, ओके, अब यहाँ पे एक मास्क का यूज हुआ हुआ है, इसको जरा देखते हैं कि मास्क को क्या कह रहा है। इसका 1 मिनट लें और देखते हैं कि इसमें क्या कर रही है। मैम जहाँ पे बॉब और विल होंगे वहां पे वो ट्रू रिटर्न करवा रहे हैं, और जहाँ पे नहीं है जो वो फॉल्स, ऐसे है क्या? ओके, सो ये जो स्ट्रेट लाइन इसने यहाँ पे लगाई हुई है दोनों नेम्स के दरमियान में, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? बोथ आर इक्वल तो नहीं हूँ, पता ही अपना मुश्किल नहीं। और ऑपरेटर ओके, से रिपीट कर दें थोड़ा, जिसने भी बताया उसको एक्सप्लेन भी कर दें थोड़ा। और ऑपरेटर से मतलब ये है कि इसमें इनमें से जहां जहां पे भी बॉब या विल आएगा वो दोनों जगहों पर ट्रू करेगा। यस, ठीक है, हाँ जी। एक होता है एंड ऑपरेटर, उसमें एंड यहाँ पे अगर साइन यूज हो रहा होता, ठीक है, तो उसमें तो होना था कि दोनों कंडीशंस फिल होनी थी, तो फिर ही वो उसको कंसिडर करना था कि हाँ वाकई है तो वो ट्रू करे, लेकिन यहाँ पे और ऑपरेटर यूज हुआ हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ ये ट्रू हो जाए कि यहाँ बोप है या फिर विल है, इन दोनों में से जो भी कंडीशन फिलफिल होती है तो उसको ट्रू कर देगा, बाकी सबको फॉल्स कर देगा। तो उसने उसको एक कोई भी वेरिएबल में स्टोर करवा लिया है, और बेसिकली यहाँ पे ऑपरेटर यूज किया है। अगर मैडम ये आप मज़ीद बेहतर बताना चाहती हैं तो टेबल और का अगर यहाँ पे बना देना और ऑपरेटर का तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कैसे, क्या बताया आपने? नहीं वैसे मैं कह रहा था पेंसिल के साथ ना टेबल ड्रा कर दें और ऑपरेटर का, या वैसे गूगल से दिखा दें। आई थिंक और ऑपरेटर का आइडिया होगा सबको, बाकी को जी अगर नहीं आइडिया तो वी कैन एक्सप्लेन इट। जी बता दें, रेज योर हैंड जिनको और ऑपरेटर का पता है पहले से।
जी बाकियों को आइडिया नहीं है तो फिर हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर लेकिन अगर आप बताएंगे नहीं तो हम तो वैसे ही गुजर जाएंगे उस चीज़ को डिस्कस किए बगैर। सो ये सर शहजाद ना पॉइंट आउट करते तो बाकी बता सकते हैं जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए, मतलब कि उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया। जी मैम इकरा, क्लियर है मैम। और कुछ? ओके सो व्हाई यू हैव नॉट रेज्ड योर हैंड। जी मैम आयशा, यस मैम, क्लियर है। और बेटर मींस दोनों कंडीशंस में से एक कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने एंड पे भी ना इसको देखें, एंड और ऑपरेटर को जिनका हैंड रेज नहीं है, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, ठीक है, इन दोनों को अपने और एंड पे देख के आना। सही मैम आप कुछ कहना चाह रही हैं? ओके तो पहले ये, कहीं हाँ ओके ओके सो ये दोनों एक दफ़ा देख के, बेसिकली इसमें उसने एंड का जहाँ पे भी वर्ड आएगा ना तो इसका मतलब होता है और का, और हो गया ना, यानी ये भी और ये भी, ठीक है, तो वो दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो तभी वो उसे ट्रू करेगा। और का मतलब होता है यहाँ, यानी नाम से जैसे पता चल रहा है, तो ये वाला जो ऑपरेटर है ये और ऑपरेटर है, और अगर यहाँ पे यू लगा होता ये वाला साइन यूज होता है एंड के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन हमने यूज की तो इसका मतलब ये और ऑपरेटर है, और इसको मैं इसका मतलब ये या ये, ठीक है, यानी इनमें से दोनों से जो से भी दोनों में से जो सी भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो मैं उसे ट्रू कह दूँ कि दोनों की फुलफिल होने की जरूरत नहीं है। इससे आप देखेंगे कि बॉब के अलावा भी जहां जहां विल था वहां वहां पे भी ट्रू आ गया, तो एक से ज्यादा ट्रू था। गॉट इट? यस मैम। ओके सो अभी फिलहाल के लिए हमने बुलियन इंडेक्सिंग तक किया है, आगे तो बिल्कुल इसके आगे वो फिर वही चीजें हैं कि वो एक्सपेरिमेंट ही करता रहेगा और कोड देखता रहेगा। अब इसके अलावा यहाँ पे नंपाई का हमारा सिर्फ यूनिवर्सल फैंसी इंडेक्सिंग भी इजी है। ओके चलें ये बाकी हम फिर कल इसको एंड वाइंड अप करेंगे, क्योंकि ट्रांसपोजिंग एंड स्वैपिंग एक्सेस इज आल्सो इजी कि ट्रांसपोज में एक्स और वाई एक्सेस ओपोजिट हो जाएंगे, ठीक है, सिर्फ एक टी की घुमाट देनी है, तो ये भी इजी। और यूनिवर्सल फंक्शंस तक मैंने इसे नंपाई को करना, तो अब हमारे पास सिर्फ 5 मिनट्स रह गए हैं, बाकी हम फिर कल कॉल इसको नंपाई को एंड करते हैं। जी कर देंगे, अभी तक क्या क्या कॉन्सेप्ट डील किया? नंपाई ओके नंपाई के ओवरऑल, यस मैम, बस यहीं तक पढ़नी है हमने नंपाई, इसके बाद क्या पढ़ना हाँ है? इसके बाद हम पांडा स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह परसों से। और इसके अलावा ओके एक चीज मुझे ये भी पूछनी थी, चले वो मैं देखती हूँ फिर। हैंड रेज करें जिनका गिटहब अकाउंट है, ठीक है, और वो उसको इजीली यूज करना जानते हैं, गिटहब को उन्हें पता है सारी गिटहब पे क्या मतलब पुल पुश कैसे करते हैं, और वो सारी एक एक चीज उनको पता है यूज करते हैं, ठीक है, सिर्फ दो पार्टिसिपेंट्स को पता है। जी मैम, पता है। दैट्स ग्रेट। तो आपका हैंड रेस था पहले और मैम रिदा का, राइट? मैम मेरा नहीं था, पता नहीं, मुझे मोबाइल पे ऑप्शन नहीं आ रहा है हैंड रेस करने का। ओके ओके चले मैम आमिना को भी आता है, सो ये 3 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास। मैम आप एक सेशन रखना चाह रही हैं उस पे, ये क्लास में हाँ डिस्कशन? मुझे यस, क्योंकि बेस्ड ऑन द क्यूरीज आई हैव गॉट लास्ट टाइम जो मैंने गिटहब पे अपलोड की थी, तो मुझे लगता है कि एक सेशन हो, लेकिन जो भी होगा मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर दूंगी कि इस दिन हमने गिटहब करनी है, तो ताकि जिनको आता है पहले से गिटहब का तो वो उस दिन ब्रेक ले सकते हैं। बट आई विल सी इट के पहले तो हम नंपाई कवर करें ना, फिर उसके बाद देखेंगे, नहीं तो फिर मैं कोई ट्यूटोरियल शेयर कर दूंगी अगर वो ना हो सका गिटहब का लेक्चर, लेकिन जो भी होगा आई विल इन्फॉर्म इट अर्लियर, ताकि जो जिनको ऑलरेडी आता है वो लाइक वो बेशक ना क्लास लें, उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा, इन्हें बोर्डम नहीं होगा उन्हें, ठीक है, और जो बिगनर्स हैं हमारे उनको वो भी मैच हो जाएंगे उस क्लास से, कि उनको भी आ जाएगा। सो आई थिंक इट विल इट वर्क, इज इट फाइन फॉर एवरीवन अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो? यस मैम, एब्सोल्युटली। ओके चलें फिर इंशाल्लाह नंपाई को कल खत्म करेंगे।
और फिर हम पांडा स्टार्ट करेंगे परसों से इंशाल्लाह। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन और सजेशन? मैम ये फाइल शेयर है स्लैक में? ये मैंने स्लैक पे पिन मैसेज में गिटहब पे की, मैंने वो शेयर की हुई है रेपो, और इसी में जो वीकली मैं अपडेट किया करूँगी, तो जो लास्ट वीक किया था वो सारा अपडेट है। तो इंशाल्लाह वैसे नंपाई को कंप्लीट करके तो फिर मैं ये बाकी वाली भी अपडेट कर दूंगी उसमें। ओके मैम, फिलहाल जो हमने लास्ट वीक तक पढ़ा वो वाली नोटबुक पड़ी हुई है उधर, ओके और आप मैम लोगों के मैंने ना रिमार्क्स वो में। नोटबुक शेयर की थी कल स्लैक पे, तो काइंडली उसको चेक कीजिएगा वो। कौन सी नोटबुक है? वन सेकेंड। ओ यस यस, यू हैव शेयर, देयर इज अ गूगल क्लैब। ओके जी, आई एम सॉरी, मैंने नहीं देखा। तो ये कौन सी है? ओके ओके, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस का है। ठीक है ठीक है, चलें मैं इसको भी ऐड कर लूँगी गूगल शीट पे, और आप लोगों के रिमार्क्स में उसी गूगल शीट पे इंशाल्लाह एक दो दिनों तक जो भी आपके वर्क है ना उसके रिमार्क्स में उसी गूगल शीट पे जहाँ पे आपने सबमिशन करवाई है ना, तो वही लिंक मैं अपडेट पिन कर दूंगी, और वहाँ से आप देख सकेंगे कि मैंने क्या रिमार्क्स शेयर किए हुए हैं आपके। तो मैं बता दूंगी जैसे ही मैं रिमार्क्स उसमें ऐड करूंगी क्लास में, सो यू कैन सी। ओके थैंक यू। वेलकम जी। एनीथिंग एल्स? वैसे भी 1 मिनट रह गया, किसी भी टाइम पे बंद हो जाएगी।